गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय रमन हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगंतम द्वाग्मय ममृतम जगत पिबती विश्व सर्वसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षम परमधाम जगद्धाम नमामि तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्तितो हम बलाकुलकोपि तस्य हरेः पदकमलं वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य वंदेहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणलता श्री विशाखान्विताश्च अज्ञान अंधस्य ज्ञानान्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः वंदेहं श्री गुरो श्रीपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्ती रहे जयतां सर्वगौरपंगो मोमन मतेर्गति मत्सर्वस्वपदां भोजौ श्री राधा मदनमोहनौ दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद रत्नागार रत्न सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्री गोविंद देव प्रेष्ठादि सेव्यमानो स्मरामि नारायणाय नमः नारायण नमः नरोत्तमाय नमः दिव्ये सरस्वती नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातना वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासमुद्भ्यैव च अत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणान्वराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथदासो श्रीजीव मे कुरुत्मन्द मते दयामुद्रा बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की परम मंगल श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका पूर्व प्रसंग में ये निरूपण कराए थे कि महाजनों का जो पथ है उसे हमें अनुसरण करना चाहिए। महाजनों के पथ का तात्पर्य है कि जैसे रागानों का भक्ति करते हुए श्री श्रुतियों ने दंडकारण्यवासी ऋषियों ने और अन्य अन्य अनेक अनेक साधकों ने श्री गोपी देह प्राप्त किया और प्रिया लाल की सेवा की, इसी प्रकार रागानुगा भक्ति मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण प्रीति की परम्परा प्राप्ति होगी। महाजन ने एक पथ के द्वारा ये दिखलाया कि नायिका भाव की प्रीति की अपेक्षा भी महाजनों ने जो रागानुगा प्रीति है मंजरी भाव की प्रीति उसको अधिक श्रेष्ठ माना, अतः उसका सेवन करना चाहिए, वो मार्ग सर्वश्रेष्ठ होकर के ग्रहण। महाजन जय पथ इसका एक तीसरा अर्थ
कि महाजनों का जैसा व्यवहार रहा वैसा व्यवहार ही हम करेंगे, अर्थात सेवा साधक रूपेण और सिद्ध रूपेण चाहते हैं। साधकों के रूप में जब तक वे रहे तब तक उन्होंने जैसा व्यवहार किया वैसा व्यवहार, जो सिद्ध स्वरूप है उस समय उनका जो व्यवहार है वो अलग है। माने निकुंज मंदिर में श्री रूप मंजरी और साधक देह में श्री रूप गोस्वामी, इनके व्यवहार में जो अंतर है उस व्यवहार के अंतर को रखते हुए हम चलेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, होना भी चाहिए कि है साधक देह में, मन में भरा हुआ है विषय और केवल लहंगा बिछिया पहनकर के नथ पहनकर के नाटक करें वो उचित नहीं, या एकादशी व्रत छोड़ दें, तुलसी वंदना छोड़ दें, गुरु परंपरा की वंदना करना छोड़ दें, जो सत असत शिष्ट अशिष्टाचार आचार उसका त्याग कर दें, ये सब नहीं करना चाहिए। महाजन के यही बात, महाजन जैसा करते रहे हैं वर्णाश्रम धर्म उनकी भी या शास्त्रीय मर्यादा की जैसे पालन करते रहे उसका पालन करते हुए हम विराजमान हैं, महाजनों का भी पालन उसका सेवन करें। उसी में अनुरथ होकर के महाजनों के महाजनों ये निकट संबंधा उसका ही अनुरथ करते हुए पूर्व अपर कर या विचार, कौन सी पहली स्थिति है कौन सी अपर स्थिति है, इन सब का विचार करते हुए, अर्थात जब तक नैष्ठिक भजन प्रारंभ नहीं हुआ है, साधक की चौदह जो भजन की अवस्थाएं हैं उनमें साधु संग साधु सेवा, तीसरी हुई श्रद्धा, चौथा हुआ पुनः साधु संग, पांचवा हुआ भजन की रुचि, छठा हुआ भजन क्रिया, सातवा हुआ अनर्थ नृत्य। जब तक ये सात स्थिति है तब तक अनिष्ठित भजन है। उस अनिष्ठित भजन में तो वर्ण आश्रम धर्म इन सब का पालन करते हुए विराजमान। इसके बाद में जब नैष्ठिक भजन प्रारंभ होगा, अर्थात सात बात की जो चीजें आएंगी, निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम भगवत साक्षात्कार और भगवत माधुर्य आस्वाद, सात पहले सात बात, तो जब पीछे की सात स्थिति आएंगी उनमें साधक यदि कर्म मार्ग का स्वरूपतः भी त्याग कर दे तब भी उसको दोष नहीं लगेगा। परंतु उस स्थिति में पहुंच करके भी महापुरुषों का ऐसा आचरण रहा कि वे तब भी वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था और सत असत आचार इसका पालन करते हुए विराजमान रहते हैं। जैसे जनक इत्यादि भले कितनी ऊंची ब्राह्मणी स्थिति में पहुंच गए हैं, परंतु ब्राह्मणी स्थिति में पहुंच करके भी कर्मणे वही संसिद्धिम आस्थिता जनकादेह लोक संग्रह वापी संप्रशन कर्तमर्हति, वे लोक संग्रह करते हुए वे आचरण कर रहे हैं। अतः कर्म में अधिकार तब तक है जब तक कि श्रद्धा नहीं है। शास्त्र ने कह दिया कि तावत कर्माणि कुर्मी को न निर्विद्यते यावता, इतना होते हुए भी भक्तगण कहीं न कहीं कर्म का पालन करते ही हैं, शास्त्रीय मर्यादा का पालन करते हैं। यद्यपि कर्म के बंधन से मुक्त हो गए हैं, श्रद्धा उत्पन्न होने के साथ ही साथ कर्म उनसे मुक्ति हो जाती है, कर्म बंधन से छुट्टी मिल सकती है, तो तावत कर्माणि एकादश स्कंध में ठाकुर जी के वचन हैं कि तावत कर्माणि कुर्मी तो न निर्विद्यते यावता, जब तक संसार में निर्वेद की डिस्कष्ट की स्थिति पैदा नहीं हो जाए, डिस्कस्टिंग पोजीशन नहीं आई, संसार के प्रति निराश अनिच्छा की स्थिति नहीं आई, तब तक तो कर्म करे, इसके बाद में कर्म नहीं करे। परंतु फिर भी श्री जनक इत्यादि वर्णाश्रम धर्म का पालन करते रहे, फिर भी जो वैष्णव आचारगण हैं वे भगवत सेवा करते हुए भी शास्त्र में धर्म शास्त्र में जो चीज निषिद्ध बताई गई है उनका सेवन करते हुए ही सेवा करते हैं, वे का
आशे के पात्र में दही भोग नहीं रखेंगे, वे तांबे के पात्र में दूध नहीं रखेंगे, दूध में नमक मिला करके नहीं रखेंगे, वे घी और शहद सम मात्रा में ठाकुर जी को भोग नहीं लगाएंगे, वे कपूर और नारियल का जल इनको मिला करके भोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि धर्म शास्त्र में और लोक व्यवहार में वो कहीं शरीर के लिए अनुचित है। इसलिए जो चीज अधिक तीखी जो वस्तु है वो ठाकुर जी को भोग नहीं रखेंगे, बदबूदार वस्तु को भोग नहीं रखेंगे। तो ये जो शास्त्र की मर्यादा है, उस शास्त्र की मर्यादा का वे पालन करते हैं। कहीं वे जो पवित्रता अपवित्रता उसका विचार करेंगे, यद्यपि वे जानते हैं उनकी नाम में पूर्ण शुद्धा है, जरा भी शुद्धा परम पराकाष्ठा में पहुंचे हुए हैं, परंतु अपवित्र पवित्र सर्वस्थांगतोपवा शुचि पुण्य काक्ष का स्मरण करने से वे खूब अच्छी तरह जानते हैं कि बाह्य और आभ्यंतर दोनों शुद्धि हो जाती है, पर फिर भी ठाकुर जी की सेवा करने के पहले, मंदिर में जाने के पहले स्नान करते हैं। ये नहीं कि हरे कृष्ण कह दिया मंदिर में घुस गए पलंग से उठ करके, ऐसा नहीं है, फिर भी वे मर्यादा का पालन करते थे। यद्यपि धर्म शास्त्र से मुक्त हो गए हैं, तावत कर्माणि कुर्वीत निर्विद्यते आपता, कर्म मार्ग उनको बंधन देने वाला नहीं है, फिर भी कर्म मार्ग का कहीं ना कहीं पालन करते ही है। तो लोक संग्रह के दृष्टि से भी या भाव की दृष्टि से भी कि हाय ब्रज राजकुमार, उनको कहीं हमारे अपवित्र स्थिति के स्पर्श से उनको कहीं असुविधा नहीं हो जाए, कहीं कोई रोग धोग नहीं लग जाए, कैसे होगी, कहां हम अपराध में पड़ जाएंगे। इसलिए पवित्रता का व्यवहार रखते हुए, सदाचार का व्यवहार रखते हुए श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। तो नैष्ठिक भजन करने पर, नैष्ठिक भजन उत्पन्न हो जाने पर यद्यपि कर्म मार्ग नहीं है, तावत कर्मारे को भी तो निर्विद्यते आवता, कर्म मार्ग की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी यथा कथित कर्म मार्ग को अपनाते ही है। मत कथा सुना दूंगा श्रद्धा यावन में जाए, थे मेरी कथा में श्रद्धा उत्पन्न होने के साथ ही साथ कर्म मार्ग से छुट्टी मिल गई, परंतु फिर भी कर्म मार्ग का कुछ न कुछ पालन करना पड़ेगा, क्योंकि पूर्वापर करिया विचार, ये पूर्वापर करिया विचार का तात्पर्य है कि कहीं पूर्व अपर का कि मेरा स्तर जाने ऐसा है कि नहीं। इसलिए ये विचार करते हुए कि हाँ बिल्कुल मान रहा हूं, शत प्रतिशत 100% ये मान रहा हूं कि भगवान नाम में अपूर्व सामर्थ्य है, परंतु मेरे शरीर के पापी के ऊपर, पामर के ऊपर श्री हरिनाम काय को अपने प्रभाव को दिखावेंगे, इसलिए मुझे तो शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। जब नाम लेने से ही सवै आभ्यंतर शुचि, नाम मात्र से ही बाह्य आभ्यंतर शुचि हो गई, पवित्रता हो गई, परंतु श्री नाम मेरे शरीर के अपराधी के ऊपर काय को अपना प्रभाव दिखाने लगे, इसलिए भैया मुझे तो नहाना ही है, नहा करके ही ठाकुर जी की सेवा करूंगा, नहा करके ही ठाकुर जी की रसोई करूंगा। या जो मूल मंत्र है, भगवत स्वरूप जो मंत्र है, वैदिक मंत्र, उनकी मर्यादा का पालन करने के लिए मैं अपवित्र स्थिति में श्री हरिनाम अपूर्ण सामर्थ्य है, उनका भले महामंत्र का जिसकी अनुमति दी गई है उसका भले जप करूं, परंतु मूल मंत्र का जप करना है तो उसको स्नान करके ही, पवित्र कपड़े पहन करके ही फिर मैं करूंगा। ब्रह्म संबंध मंत्र का, मूल मंत्र का, तब मैं आपस में ही उनका जप करते हुए विराजमान होऊंगा। तो ये पूर्वापर और यह विचार, पूर्व अपर इनका विचार करते हुए कि मेरा स्तर कहाँ है, और अपने स्तर को जो है उससे भी नीचे मानते हुए, दीनता में नीचे मानते हुए, उसके अनुसार ही मैं कार्य करूंगा। साधन स्मरण लीला, यद्यपि स्मरणांग वही रागानुग भक्ति में मुख्य है, मुख्य साधन स्मरण ही है, परंतु स्मरण करने का तात्पर्य यह नहीं है कि श्रवण और कीर्तन छोड़ दो,
श्रवण से स्मरण नहीं बल्कि श्रवण ही स्मरण बन जाए, कीर्तन से स्मरण नहीं बल्कि कीर्तन ही स्मरण बन जाए, ऐसी स्थिति में श्रवण और कीर्तन इन दोनों का त्याग न करते हुए क्या ये संभव है कि मिट्टी का न हो घड़ा बन जाए, मिट्टी ही घड़ा बनेगी, ऐसे ही श्रवण और कीर्तन ही स्मरण बनेगा, श्रवण और कीर्तन से स्मरण नहीं, श्रवण कीर्तन ही स्मरण के रूप में जहां परिणत हो जाए, ऐसा करते हुए साधन स्मरण लीला, स्मरण जो है लीला का स्मरण वो ही सर्वोत्तम साधन है। अंत में नाम, पहले नाम स्मरण, फिर रूप स्मरण, फिर गुण स्मरण, फिर लीला स्मरण और फिर अंत में परिकर स्मरण। तो लीला स्मरण अंतिम होकर के विराजमान, तो साधन क्या है, स्मरण लीला, श्री प्रभु की लीला का स्मरण करना और लीला में मैं कहां स्टैंड करती हूं करता हूं, ये जो विचार है ये विचार ही मुख्य होकर के विराजमान। तो साधन स्मरण लीला, जो लीला का स्मरण उसका साधन करते हुए इहाते ना करो हिला, कभी भी अभेदना मत करो, श्रवण कीर्तन स्मरण तीन साधनों से कभी भी अभेदना नहीं की जाएगी। काय मन करिए सुसहा, और उस समय अपने शरीर मन इनको बिल्कुल कहीं व्यवस्थित रूप में अत्यंत अत्यंत वश में करते हुए उन मन को कहीं धैर्य प्रदान करते हुए काय मन मनिया करिया सुसा, काय शरीर और मन इनको बिल्कुल दृढ़ करते हुए मैं श्री प्रभु के कार्य में लगूंगा, माने निराशा कभी भी नहीं आने दूंगा। सुसार का तात्पर्य है दृढ़ता धारण करते हुए, भजन में यदि किंचित भजन के फल प्राप्त करने में आस्वादन में अनुभूति में अभाव भी आ रहा है, अनुभूति नहीं भी हो रही है, तब भी भजन में लगा रहूंगा। सुसार माने दृढ़ता, काय और मन इनकी दृढ़ता को धारण करते हुए मैं लगा रहूंगा, उसमें टका रहूंगा, ये नहीं कि कुछ हो तो रहा नहीं है अब माला करने का क्या मतलब उठा करके रख दिया, ये नहीं, कहीं ना कहीं जमे हुए वहां पर रहूंगा। अब लक्ष्य का निर्धारण हो गया, अब डू और डोंट्स दोनों आएंगे, ऐसा करो ऐसा मत करो, लक्ष्य का निर्धारण कर लिया कि ये मुझे प्राप्त करना है, अब ऐसा करो ऐसा मत करो, तो शास्त्र की एक मर्यादा रही है कि शास्त्र सर्वदा पहले तो ऐसा मत करो ये कहता है, फिर ऐसा करो ये कहता है। सबसे पहले तो रोगी को डॉक्टर ये कहेगा कि भाई जिससे तुम्हें रोग हुआ है उससे बचो, यदि ज्यादा ठंडी बर्फ खाने से और ठंडे में रहने से यदि तुमको निमोनिया हुआ है तो सत्य करने तो वहां पर रहना बंद करो, ये एसी में जो दिन भर पड़े रहते हो वो बंद करो, तो ये जिसके कारण रोग हो रहा है उसको पहले तो त्याग करना पड़ेगा। इसलिए ये एक पद्धति है, सामान्य पद्धति है कि जो रोग का कारण है उस रोग के कारण को पहले त्याग किया जाए, फिर रोग का इलाज बाद में किया जाएगा, फिर रोग के इलाज में जो पथ्य है उसका सेवन, फिर तीसरी बात बताई जाएगी। तीन चीज, पहले तो ऐसा मत करो, फिर दूसरी बात ये उपाय करो, ये दवाई लो, इस दवाई के साथ में फिर ये पथ्य करते हुए भी विराजमान हो, ये तुम्हारे लिए अधिक हितकर होगा। तो यहां पर ये तीनों चीज कह रहे हैं, सबसे पहले डोंट्स का वर्णन कर रहे हैं, ऐसा मत करो, डू एंड डोंट, ऐसा करो ऐसा मत करो, पहले डोंट्स का वर्णन कर रहे हैं कि असत संगति सदा, त्याग करो अन्य गीता, कर्मी ज्ञानी परे हरे दूर, केवल भगवत संग प्रेम भक्ति रति रंग, लीला कथा ब्रज रस पूरे। अब भजन के लिए जो अनुकूल पद्धति है वो अनुकूल पद्धति श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय बता रहे हैं,
माने कहीं निषेधात्मक और कहीं पथ्य, उपथ्य का त्याग और पथ्य को ग्रहण करना कि असत संगति सना। बोल भैया सबसे पहले तो असत असंगत संगति जो है उसका त्याग करो, जिससे विषयों में आसक्ति होती है ऐसी संगति का तुम त्याग करो। असत संगति का त्याग करना ये वैष्णव आचार है। यदि कोई विरक्त होकर के विराजमान हो गया है तो ऐसी स्थिति में उसे कहीं स्त्री संग भी त्याग करना पड़ेगा, अन्यथा शास्त्र वेद यदि स्त्री संग का सर्वथा त्याग नहीं कर सकते हो तो शास्त्रानुमोदित काम उसका सेवन करने के लिए विवाह की संस्था, विवाह का इंस्टीट्यूशन शास्त्र ने बताया है, तदनुसार शास्त्रानुमोदित धर्म अर्थ और काम का सेवन करते हुए विराजमान हो, और यदि विरक्त हो गए हो तो फिर विषयी संग स्त्री संग का त्याग करो। यही बात कहीं स्त्रियों के लिए भी करो, किसी एक की निंदा एक की स्तुति करना यह लक्ष्य नहीं है, उपलक्षण के द्वारा यही बात दोनों जगह कही गई है, स्त्री के लिए पुरुष के लिए। तो यदि लिंग संन्यास धारण कर लिया है तो लिंग संन्यास धारण करके तो फिर प्रकृति संभाषण से बचना ही पड़ेगा। संन्यास दो प्रकार है, एक संन्यास है लिंग संन्यास और दूसरा संन्यास है विद्वत संन्यास। विद्वत संन्यास तो सबको धारण करना है कि शरीर विनाशील है, आत्मा ही अजर अमर होकर के विराजमान है, वो नित्य है, आत्मा सच्चित आनंद रूप है, यह अणु है, इसके द्वारा प्रभु की सेवा की जाए, मुझे प्रभु ने ये शरीर सेवा करने के साधन के रूप में दिया है, इसके द्वारा मैं ठाकुर की सेवा करूंगा, यह है विद्वत संन्यास। शरीर जीवन का लक्ष्य नहीं है, शरीर जीवन का साधन है या इंस्ट्रूमेंट है या जीवन का एम नहीं, यह हो गया विद्वत संन्यास। लिंग संन्यास उसका नाम कि जहां विरजा हवन करके अपना श्राद्ध स्वयं भी करके जहां यज्ञोपवीत शिखा इसका भी त्याग करके दोनों हाथ ऊंचे करके फिर कहा जा रहा है कि हे पंच महाभूतो, यदि आपका मेरे ऊपर कोई मेरा आपके ऊपर कोई ऋण है तो मैं आपको ऋण से मुक्त कर रहा हूं, मुझसे अब किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार शास्त्रीय विधि से श्रौत विधि से संन्यास ग्रहण करके जो व्यक्ति संन्यास ग्रहण करके विराजमान हुआ है और जिसने कहीं योगपट दंड इनको ग्रहण किया है, तो ऐसा जो व्यक्ति है जिसने श्रौत संन्यास ग्रहण किया है, श्रुति के अनुसार वेद की पद्धति के अनुसार कर्म कांड की रीति के अनुसार हवन करके विरजा का हवन करके जिसने शिखा सूत्र का त्याग किया है, ऐसे व्यक्ति को तो फिर प्रकृति संभाषण से बचना भी पड़ेगा। और श्रीमद् महाप्रभु ने कभी छोटे हरदास को इसके लिए डांट भी दिया कि संन्यास हो या कर प्रकृति संभाषण, संन्यासी होकर के प्रकृति संभाषण कर रहे हो, ये कहां से बढ़िया इतना बढ़िया चावल लेकर के आए। अब माधवी देवी कोई मामूली है क्या, साढ़े तीन सखियों में है श्री माधवी देवी जी, और उनका ये उनके साथ में छोटे हरदास ने जरा सी बातचीत की होगी और महाप्रभु ने हरदास से तो अत्यंत प्रेम और अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए छोटे हरदास से अत्यंत प्रेम और शिक्षा देने के लिए हरदास का त्याग कर लिया। हरदास मेरे सामने नहीं आए, हरदास रो रहे हैं, हर एक से प्रार्थना करवा रहे हैं कि महाप्रभु ने आज मेरा त्याग कर दिया, कब मुझे अपनाया जाएगा, कब अपनाया जाएगा, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु महाप्रभु कह रहे हैं तुम लोग कहोगे तो मैं जहां से चला जाऊंगा। जब जान गए हरदास कि महाप्रभु नहीं अपना रहे हैं
तब दुखी होकर के श्री हरदास आप प्रयाग चले गए और वहां पर प्रयाग में जाकर के अपने देह का त्याग किया, वहां पर त्याग देह का छूट गया। किसी ने कहा भी तो महाप्रभु उल्टे हंसी करते हुए कह रहे हैं स्वकर्म फल भुक्त मांग, इतने कठोर कहां तक, इतने कोमल और कहां ऐसी कठोरता के कह रहे हैं जिसने जैसा किया वैसा बता ऐसी। और हरदास का दोष क्या कि महाप्रभु की भिक्षा के लिए जिस समय चावल मांगने के गए तो अन्न जैसे दिन जैसे चावल होते थे, आज जब महाप्रभु को भात परोसा गया तो भात बहुत बढ़िया, चावल बहुत बढ़िया, बड़े सुगंधी बड़े बड़े चावल बढ़िया। महाप्रभु पूछ रहे हैं अरे भाई आज इतने बढ़िया चावल कहां से आए, ये चावल कभी तो पूछते नहीं हो, आज पूछ लिया। और किसी ने उत्तर दिया कि छोटे हरदास ये चावल मांग करके लाए। बोले किससे मांगे, बोले माधवी देवी से। जो किशोरी जी की आधी सखी मानी गई है माधवी देवी, साढ़े तीन सखियों में जिनकी गिनती की गई है और वयोवृद्धा है, कोई युवती नहीं है, एकदम वयोवृद्धा मां के समान है, उनसे मांग करके लाए। और श्री प्रभु ने दूसरे लोगों को डांटने के लिए श्री संगीत गायन करने वाले कीर्तनिया श्री छोटे हरदास को त्याग कर दिया कि नहीं हरदास मेरे सामने नहीं आया। तो ये जहां पर लिंग संन्यास ग्रहण किया है वहां पर फिर ये नियम जो है वो नियम भी ग्रहण करने पड़ेंगे। तो एक संन्यास का स्वरूप हुआ लिंग संन्यास, दूसरे संन्यास का जो प्रयोग है वो है विद्वत संन्यास। विद्वत संन्यास सबको रखना है, चाहे गृहस्थी हो, बाबा जी हो, बालक हो, सब विद्वत संन्यास रख सकते हैं। विद्वत संन्यास के अधिकारी सभी हैं कि आत्मा असत है, जो असत है शरीर असत होकर के विराजमान, या सत सत का विवेक ये हरे को रखना चाहिए, इसका नाम है विद्वत संन्यास। अब संन्यास का ही एक दूसरा स्वरूप है वो है भेक संन्यास। महात्मा गण जैसे धारण करते हैं वहां पर वो कर्मकांड की विधि नहीं है, श्री महाप्रभु ने जैसे कर्मकांड की विधि अपनाई और फिर संन्यास ग्रहण किया ऐसे वो विधि नहीं है, परंतु जो भेक संन्यास की परमहंस जो संन्यास है उस परमहंस संन्यास की जो स्थिति है उस परमहंस संन्यास की स्थिति में भेक संन्यास की स्थिति में श्री गुरुदेव के द्वारा गुरुदेव ने कमर में गांठ मारी लघुटी दी और वे कहीं श्री कृष्ण चैतन्य आदि मंत्र के द्वारा भेख प्रदान करते हुए वेश प्रदान करते हुए मुंडन करा करके वेश प्रदान करते हुए बाबा जी स्वरूप प्रदान करते हुए विराजमान हो रहे हैं। झोली युग पट्ट इनको प्रदान करते हुए जो अचला और दुपट्टा उनको प्रदान करते हुए विराजमान, वो वैष्णव की जो विधि है वो भेक संन्यास की विधि। तो उसमें भी दो प्रकार के भेक, एक है कच्ची लगोटी एक है पक्की लगोटी। जहां पर पक्की लगोटी लगाई है या पूरी तरह से भेष धारण किया है फिर संसार से कोई मतलब नहीं, शुरू शुरू में भजन की शिक्षा देने के लिए कहीं कच्ची लगोटी भी दी गई कुछ दिन के लिए रखने के लिए ब्रह्मचारी बना करके अपने पास में रखा, फिर उनको पक्की लगोटी धीरे धीरे बाद में प्रदान की जाएगी, जब पक्का हो जाएगा तब मूल जो रूप है पहले ब्रह्मचारी के रूप में फिर पूरे विरक्त के रूप में वो विराजमान होगा। तो भेख संन्यास और श्रौत संन्यास, इन दोनों संन्यासों में जहाँ पर यदि लिया है ये संन्यस्त होकर के विराजमान तब तो असत संगति त्याग, उनका पूरी तरह से असत संगति जो है वो असत संगति का त्याग ही होगा। श्री चिंतन चेतावन कर रहे हैं असत संग त्याग वैष्णव आचार स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त। जो स्त्री संगी है वो असाधु है, भक्त उससे भिन्न होकर के विराजमान। अब स्त्री संगी का तात्पर्य है कि यदि
विरक्त होकर के यदि कहीं वह विषयों में आसक्त हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति की शास्त्र में बड़ी निंदा की गई और उसको एकादश करने में श्रीमद् भागवत में वांत भोजी कहा गया। वांत का मतलब है उल्टी करके भोजन करने वाला, खाने वाला, केवल एक ही जीव है और कोई नहीं, तो उसकी इतनी निंदा की जो अपनी उल्टी करके स्वयं खाए। तो वांत भोजी जिसका त्याग किया है उसका वह भोजन करते हुए विराजमान को उसकी अत्यंत अत्यंत निंदा की गई। तो असत संगति सदा, असत संगति का त्याग करेगा अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका इतना सेवन करे जितना कि जीवन की यात्रा के लिए आवश्यक है उतनी मात्रा में उनका सेवन करे, अन्यथा शरीर जो मिला है यह ठाकुर की सेवा के लिए है, उसके लिए ही उसका उपयोग करते हुए विराजमान हो। तो असत संगति सदा, असत संगति का त्याग, त्याग करो अन्य गीता, असत संगति का त्याग करना है। इसी के प्रकार से अन्य गीता, अन्य जो जो भी संसार के व्यवहार की जो बातें हैं या व्यवहार की महिमा को गायन करने वाले जो लौकिक गीत हैं उनका त्याग, या अन्य गीता का तात्पर्य है किसी अन्य देवता की प्रशंसा में कहे गए जो प्रशंसा के वचन हैं उन गायन के प्रशंसा के वचनों को उनका भी त्याग करते हुए विराजमान हो। माने अर्थवाद के जो वचन हैं उन अर्थवाद का त्याग करते हुए भी साधक को विराजमान होना पड़ेगा। त्याग करो अन्य गीता, श्री हरिनाम में अर्थवाद नहीं है, अन्यत्र कहीं प्रशंसा की गई है तो वह कृष्ण के अतिरिक्त यदि कोई दूसरी वस्तु की प्रशंसा है उसमें कहीं एक्सीग्रेशन है, उसमें कहीं हाइपरबोल है, अतिशयोक्ति है, परंतु कृष्ण नाम जो है उसमें कहीं एक्सीग्रेशन नहीं है, उसमें कहीं भी हाइपरबोल नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है। इसलिए कहीं एक्सीग्रेशन का तात्पर्य है अर्थवाद, बढ़ा चढ़ा करके किसी चीज का वर्णन करना, और हाइपरबोल का अतिशयोक्ति तो वो उसमें नहीं है। इनका तुम त्याग करते हो कि विराजमान हर नाम उनमें अर्थवाद नहीं है। अब यदि कोई ये कहे कि वाह हर नाम के द्वारा सारे पाप दूर हो जाते हैं ये अर्थवाद है, इसमें नाम की बढ़ा चढ़ा करके तुमने वर्णन किए, शास्त्र में